नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट्स मॉल में आज हम यहाँ पे बेगम बहार फूल जिसे प्रिंसेस फ्लावर या फिर पर्ल, पर्पल ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है उस पौधे के बारे में बात करेंगे इस पौधे को प्रिंसेस ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है यह पौधा ब्राज़ील का मूल निवासी है लेकिन भारतीय का भारतीय जो वातावरण है उसमें अच्छी तरह से यह पौधा अनुकूल है मतलब कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें यह पौधा अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स भी आते हैं और इसका ग्रोथ भी अच्छी तरह हो जाता है आपको इस पौधे को अगर देखभाल करने में कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में ले लेंगे बेगम बहार के फूलों का मौसम मार्च से मई तक होता है तो हल्के सर्दियों के मौसम में भी इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन जो मार्च मई में फ्लावर आते हैं उसकी तुलना में वह कम होते हैं इनको जो देखभाल करनी होती है उसके लिए अगर आपने नर्सरी से ये पौधा लेके आए तो उसको तुरंत रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसको आप दो दिन हल्की छाया में रखिए और फिर उसको आप बड़े पॉट में डाल सकते हैं जब वो बड़े पॉट में डाल के उसको सेटल हो जाए मतलब कि उसको पंद्रह दिन या फिर एक आध हो जाए तो आप उसको शेमी शेड में शिफ्ट करिए जहाँ पे आधा दिन धूप आती है फिर आधा दिन छाव आती है ऐसी परिस्थिति में शिफ्ट करेंगे तो वो अपना ग्रोथ अच्छे से करता रहेगा इस पौधे की देखभाल में आ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इसको पानी कैसे देना चाहिए तो जब भी आप इसको पानी देंगे तो इसको समय समय पर गहरी पानी का आवश्यकता होती है लेकिन आपको एक बात देखना है कि मिट्टी आपको चेक करके पानी देना है क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा गल सकता है और कम पानी डालेंगे तो पौधा सूख भी सकता है गर्म के मौसम में इसको ज़्यादा पानी देना चाहिए या फिर आप गर्मी के मौसम में सुबह और शाम ऐसा दो टाइम इसको पानी डाल सकते हैं सर्दियों के मौसम में यही पानी की मात्रा कम कर दीजिए मिट्टी गीली है और आप फिर भी पानी डाल रहे हो तो पौधा खराब हो सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए तभी आप उसमें पानी डाल दीजिए इस पौधे को धूप जो लगती है वो दिन में कम से कम पाँच छः घंटे वाली धूप होना चाहिए उससे पौधे को ज़रूरी मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती है लेकिन हाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या तेज़ धूप आ रही है तो उस टाइम आप पौधे को हल्के शेड में शिफ्ट कर दीजिए ताकि ज़्यादा गर्मी के वजह से ज़्यादा धूप की वजह से पौधा सूख के ख़राब न हो जाए यदि आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे तो आप उसको अच्छी मात्रा में जहाँ पे धूप मिल रही है वहाँ पे शिफ्ट कीजिए ताकि उसमें फिर से फ्लावरिंग चालू हो जाए जब इसको लगाने की बात आती है तो उस टाइम अगर आप जो सॉइल मिक्सचर ले लेंगे उसमें आपको आ, मिट्टी लेना है तीस परसेंट कोकोपीट पच्चीस परसेंट वर्मी कंपोस्ट तीस परसेंट और जो रेत होती है वो आपको पंद्रह परसेंट लेनी है इस टाइप से अगर आप सॉइल मिक्सचर करके उसमें पौधा लगाएंगे तो पौधा का ग्रोथ अच्छा होगा सैंड हम लोग मिट्टी में मिक्स करते हैं उसकी वजह से पानी उसमें रुकेगा नहीं और पा वो अच्छे से बाहर चला जाएगा और पौधे को जितना पानी लगता है उतना ही पानी पौधा अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेगा इसको जब भी आप खाद डालेंगे तो इसके लिए आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर घर पे जो बनाया गया ऑर्गेनिक खाद है उसका ही यूज़ कीजिए इसके लिए आपको केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं है जब खाद डालना है तो आप 20-25 दिन के अंतराल से पौधे को खाद डालते रहिए उससे उसको पोषण तत्व मिल सकते हैं और उसमें फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से आ जाएंगे अच्छे फ्लावर खिलने का जो मतलब जो ज़्यादा फ्लावर खिलते हैं उसका सबसे अच्छा समय फरवरी और अक्टूबर में है इस टाइम में पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं यहाँ पर भी अभी आप देख रहे हो कि पौधों पे तो बहुत सारी कलियाँ आ रही है कुछ ही दिनों में वो खिलने चालू हो जाएगी पौधे का ग्रोथ भी अच्छा हुआ है और एकदम हरा भरा एकदम भरा पॉट इसका दिख रहा है जब आपको लगता है कि पौधा खराब हो रहा है या उसके ब्रांचेस सही दिशा में नहीं बढ़ रहे तो आप उसको पिंचिंग पिंचिंग कर सकते हैं मतलब कि वहाँ से नए शूट्स निकलेंगे और पौधा भी झाड़ीदार बना रहेगा अगर आप जो इसकी ब्रांचेस ख़राब होती है उसको हटा नहीं देंगे तो वो पौधे का पोषण ले लेते हैं इसलिए जब भी ब्रांचेस ख़राब होते हैं पत्ते खराब हो जाते हैं तो उनको आप हटा दीजिए उससे उसमें जो पोषण चला जाता है वह दूसरे पौधे को मिलके उनका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा आप इसको आपके घर में घर के अंदर गमलों में भी उगा सकते हैं और फिर इनको आप आपके गार्डन में या फिर जहाँ पे आपका आधा धूप और आधा छाँव आता है वहाँ पर भी लगा सकते हैं ये पौधा लगाने से निश्चित रूप से ही आपके गार्डन की शोभा बढ़ती जाएगी और आपको साल भर फ्लावरिंग देने वाला एक हरा भरा पौधा मिल जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव रहेंगे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए हर हाँ अगर आपको ये पौधे ऑनलाइन मंगवाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका एड्रेस और उनका व्हाट्सअप नंबर भी देती हूँ आप वहाँ से प्लांट परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक फिर नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार mm -hmm.